देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, इसको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है हमारे ख्याल से। तो आपको यहाँ पर देखना है कि बार में सेक इन्वर्स है, और आपने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा उसमें कोई भी फॉर्मूला सेक का तो पढ़ा नहीं, तो डायरेक्टली ये सेक पर नहीं बनेगा। बट इसको हम लोग अगर नीचे में कॉस ले आते हैं तो कॉस ऊपर जाने के बाद अपने आप सेक बन जाएगा, लोग पढ़े हैं 1/cos क्या होता है सेक। तो इसको कॉस कैसे बनाना है, x को क्या माने कि कॉस बन जाए नीचे, बोलो x को क्या माने, x को माने कॉस थीटा 2cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ये नहीं होगा 2cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, है ना, फॉर्मूला सारा याद रखिए इतना लिखा है तक आपको, ठीक है। y इक्वल टू क्या बन गया, y इक्वल टू sec इनवर्स रह गया 1 बाय बोलो कितना होगा ये 2cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट cos 2 थीटा, ये cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos ऊपर जाएगा तो बनेगा sec 2 थीटा, यहां से sec इनवर्स sec कट जाएगा, sec इनवर्स sec कटेगा तो बचेगा sec 2 थीटा, 2 को हम लोग 2 छोड़ दिए, थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह पे cos इनवर्स x पुट कर सकते हैं, तो dy / dx निकालना है, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये शानदार फॉर्मूला आपने सामने रखी है, जिस पर सेट करें सेट की तो बनाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाओ खुद से इसको। क्वेश्चन है वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ट्राई क्वेश्चन कीजिए इसको लास्ट में, बाकी सबका अभी बन जाना चाहिए था, नहीं बना मुझे खेद है, फिर भी आगे ध्यान दीजिए सर। देखो ध्यान सिंपल ये है, यहाँ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मीन्स रूट को रिमूव करना है, रूट को रिमूव करना है, दैट मीन्स अंदर में होल स्क्वायर बनाना है। पर ऐसा दिमाग में सेट कर लो, अभी तुरंत सेट कर लोगे, जहां भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे कहीं पर भी x को या तो साइन मानना है या क्या मानना है cos, तो साइन मानोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला cos पर बनेगा, और cos मानोगे तो 1 माइनस cos का फॉर्मूला साइन पर बनेगा, बन जाएगा ना। और प्लस रहेगा तो क्या मानेंगे बोलो, तो प्लस रहेगा तो क्या मानेंगे, प्लस रहेगा तो tan मानोगे या क्या मानोगे, cot, चूंकि पढ़ा आप लोग पढ़े होंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से मानना है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर लोग क्या माने, sin की cos, cos को नहीं माना, फिर हम cos मानते हैं, गलती करते हैं, x को cos मान लो, मान लिया हमारा अच्छा था मानने का, मान लिया, y cos क्या हो गया tan इनवर्स, x को cos माने है ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कितना होगा 1 माइनस कितना cos का, सही है, मानेंगे या तो cos कितना ही नहीं, tan cot तो मानेंगे नहीं, तो tan cot तब मानते हैं, यहाँ पर क्या होता प्लस, तब ना सकता है स्क्वायर रूट। चलिए ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, y cos बात नहीं tan इनवर्स, cos थीटा रह गया, नोट कोई नहीं करोगे इसको, गलती होने वाला है ये, 1 माइनस cos पर क्या होगा sin स्क्वायर का रूट क्या होगा, यहां तक जैसे ही पहुंचे तो लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला पड़े हो गया, नहीं पड़े, पड़े हो गया नहीं पड़े, 1 प्लस cos का भले पड़े हो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 कहें कि नहीं, तो अभी सर वो भी नहीं पढ़ाया हम, वो नहीं पढ़ाए बट ये जरूर पढ़ाएंगे आपको, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, पढ़ाए ना, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको हम 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम देख लिए कि x का मान cos पुट किए तो प्रॉब्लम क्या हुआ, बट हालांकि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है हमारे से, आप लोग को लंबा पड़ेगा सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, अभी भी ये बन जाएगा, गाओ कर सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर दें इसे ही बन जाएगा, ठीक है, स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको भी हम बता देंगे, पहले उसको सीख लीजिए, आसान वही रहेगा। एक्स को साइन मानते हैं, देखिए एक्स को साइन मानेंगे
वाई इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एस पी का मान है साइन थीटा वन बाय वन प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, सही है, वन माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला किसका है, वन माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का रूट क्या होगा, कॉस स्क्वायर रूट पाओगे सर कॉस होगा, यहां तक तो इसको हम फ्लिप कर दिए। अब देखो यहां से टेन इनवर्स रह गया साइन इन साइन थीटा का फॉर्मूला, इसका अभी फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पढ़ा है बट इनवर्स भी पढ़ाया है ना, देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला कभी पढ़ाए थे आपको हम, टू साइन थीटा इंटू कॉस्ट पढ़ाए, जब यहाँ टू था तो हाफ हाफ हो गए, अरे टू का हाफ चलो उससे साइन थीटा को लिख सकते हो टू साइन थीटा बाय टू इंटू कितना कॉस्ट, सही है बाय वन प्लस कॉस्ट थीटा, वो वन प्लस जब यहाँ टू था फिरा हुआ, जब यहाँ थीटा तो वहां क्या होगा थीटा बाय टू, दैट मीन्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, टू टू साफ हो गया, कॉस कॉस साफ हो गया, साइन बाय कॉस क्या बन गया, साइन बाय कॉस कहोगे सर बन गया टेन थीटा बाय, सही है टेन टेन साफ हो गया, सही हो गया टेन टेन कट गया, तो क्या बचा आपके पास थीटा बाय टू, दैट मीन्स कहोगे सर वाई इक्वल टू हमारे पास बचा वन बाय टू इन टू थीटा, अब थीटा का मान एक्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स सिंपल फॉर्म आ गया, देयरफॉर अब dy / dx को निकालना है कांस्टेंट फॉर्म में, 1 / 2 कांस्टेंट है 1 / 2 बाहर रहेगा, साइन थीटा का साइन इनवर्स का एक्स का रूप क्या होगा, साइन 1 / 1 माइनस एक करना, अब आइए उस तरीके से बनाया कैसे वो भी सीख लीजिएगा, आज मैं भी ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, उस फॉर्मूला पर कैसे बनता उसको सीख लोगे उसका यूज भले इस क्वेश्चन में नहीं तो बन जाएगा, लेकिन बहुत क्वेश्चन में उसका यूज भी है। देखिए y इक्वल टू हमारे पास जो बना था वो कुछ था इस तरह से, tan इनवर्स cos थीटा बना था ऊपर में, नीचे में वन प्लस था sin थीटा, sin ये था ना, तो भी कैसे बनेगा तो गौर कीजिएगा, देखिए y को y छोड़े, tan इनवर्स को tan इनवर्स छोड़े, ठीक है, cos थीटा को सबसे बेसिक फॉर्मूला से क्या कर सकते, कॉगी सर नहीं पता cos 2 थीटा का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए थे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जब यहाँ 2 थीटा था तो थीटा था ऊपर हाफ, जब यहाँ सिर्फ थीटा है तो क्या होगा बोलिए cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट्स ओके बाय 1 है, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को बचपन में आप लोग पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, कॉमन वन नहीं पढ़े क्लास 10 में नहीं पढ़े थे sin स्क्वायर प्लस cos का वन ही था ना वो, अब sin थीटा को फिर भी सिखाए थे क्या कहेंगे 2 sin थीटा / 2 * cos थीटा / 2, सही है वो पढ़े हैं आप तक, y cos tan इनवर्स कहोगे इतना सोच क्यों लिया आप, इतना इसलिए सोच लिए क्योंकि हम जानते हैं ऊपर टूटेगा a + b - b पर, नीचे बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ऊपर नीचे कटेगा हो जाएगा पूरा फिर से ऊपर बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे इस तरह लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को क्या पढ़े हैं आप लोग a प्लस b का और बन गया, और ऊपर जाओ अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा a प्लस b इंटू ए माइनस बी, सही है कुछ कटेगा एक का सफाया हो गया, ठीक है बचा क्या, बचा cos थीटा बाय 2 y इक्वल टू बचा हमारे पास tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2, कहोगे सर अभी भी कुछ कमी इसमें है, अब कमी क्या, अब कमी है वही जो हम लाना चाहेंगे, डिवाइडिंग करेंगे न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना में बोल सकते हो cos थीटा बाय 2, क्या सोच के डिवाइड कर रहे हैं पावर क्योंकि आप कर रहे हैं सिंपल, cos बाय cos कौन हो गया sin बाय cos क्या हो गया tan, cos बाय cos 1 sin बाय cos 10, सही है ये फॉर्मूला कभी याद कीजिए पढ़ाए थे किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है टेन पाई बाय फोर
माइनस प्लस देन सब्सट्रैक्ट कर दो माइनस ठीक है टेन कर गया बन जाएगा सेम आया क्या कि अरे टेन टेन कर देगा बचेगा पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू पाई बाय फोर का डेरिवेटिव जीरो वन बाय टू बाहर रहेगा बस यही करना कर लो है ना इसी पर बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसको आप लोग ट्राई अभी तुरंत कीजिए tan inverse root x minus x by 1 plus x to power 3 by 2 plus 5 ध्यान से सोचिए पहले दोनों में किस फॉर्मूला पर ये सेट करने को है फर्स्ट वाले पढ़िए चूंकि से तो माइनस ऊपर इसी फॉर्मूला पर ढालने के लिए काम करते हैं पहले फॉर्मूला कभी सेट होता हुआ दिखाई तो नहीं पड़ रहा है बट जल्दी दिखाई पड़ जाएगा जब आप क्या करें इसको सिर्फ तोड़ दें उसको एक्स इंटू रूट एक्स क्या नहीं कर सकते हो या रूट एक्स इंटू एक्स सही देखो अरे ये ऊपर जो करते हो है नीचे भी जॉब आते हुए बट तीन बाय दो को आप लिख सकते हैं यो तीन बाय दो को एक्स प्लस वन बाय टू डिवाइड टू कितना कर सकते हो ना पावर जुटता कब है पावर जुटता तब है जब बेस सेम हो और किसमें हो गुणा में एक्स को एक्स छोड़ दिए वन बाय टू को रूट एक्स है बस इसको हम तोड़ दिए तो किस फॉर्मूला पर सेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा टेन वर्ड x मतलब कितना रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स y मतलब कितना सही है क्या आप डिफरेंशिएट हो सकता है कि नहीं है ब्रो डी वाई वाई डी एक्स निकालना है इसको इस फॉर्मूला पर इसके तहत लिख सकते हो ना टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या कहा है वन बाय वन प्लस x का स्क्वायर कितना है बट एक्चुअल में x नहीं कुछ और ही है इसका डेरिवेटिव क्या होगा बिंदु में वन बाय टू एक्स माइनस माइनस भी फिर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय वन प्लस एक्स हो गया आंसर ये इसी को तुम अरेंज करके लिख सकते हो वन बाय टू रूट एक्स इंटू वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर हो गया ना माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर दिस इज योर आंसर कहीं समझने में मेरी दिक्कत है बोलोगे सिर्फ रूट वाले टर्म को हम सेट किए हैं तो पावर थ्री बाई टू था ना सेम इस टाइप का ही है टेन वर्स थ्री माइनस टू एक्स बाय वन प्लस सिक्स एक्स हमें ये फर्स्ट जो फिर से इसको हम बोल रहे हैं तभी ध्यान दोगे सबसे पहला तो इसको वाई मान लिए फॉर्मूला पर सेट करना है तो बोलिए पहले एक्स के रूप में कौन काम कर रहा है थ्री y रूप में काम कौन कर रहा है 2x नीचे 1 है 1 छोड़े प्लस है प्लस छोड़े 6x को इस तरह तोड़ो कि x into y बन जाए x को कहते हम 3 y किसे कहेंगे सेट कर दिया फॉर्मूला देखो xy 1 प्लस ठीक है ये पूरा का फॉर्मूला क्या होगा tan वर्स x माइनस tan वर्स y सही है ऑटोमेटिक कराओगे अब dy by dx निकालने में कुछ बच्चे क्या किए हैं टेन वर्स एक्स मान लीजिए इसको वन बाय वन प्लस तीन का स्क्वायर नौ कर दिए क्या सही है सही नहीं है कल सिखाए जिसको हम आज भी बोल रहे हैं जहां टेन वर्स ए होगा तब भी जीरो होगा बी रहेगा तब भी जीरो होगा सी रहेगा तब भी जीरो रहेगा एक दो तीन चार पांच कुछ भी कॉन्स्टेंट रहेगा जीरो होगा मीन्स ये पूरा क्या होगा जीरो माइनस ध्यान देना बात नहीं टेन वर्स एक्स का क्या होगा वन बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स नहीं कुछ और इंटू टू एक्स का क्या होगा टू हो गया आंसर माइनस टू बाय वन प्लस फोर एक्स ठीक है तो नेक्स्ट फिर स्टार्ट कर देंगे इस टाइप का भी आपको पांच से छह सवाल मिलेगा सारा इस टाइप का ही होगा अगले सवाल पर काम कीजिए फटाफट फर्स्ट में टेन वर्स
शायद ये आपको तंग करे मिस नहीं बने, यहाँ पर ये सीधा सा पार्ट नहीं है, ऊपर में दो टर्म चाहिए बट है हमारे पास बात एक ही टर्म, जिसको इस तरह तोड़िए कि नीचे भी छेद हो जाए ऊपर छेद हो जाए, ठीक है, सोच समझ करके हिंट करते हैं। तो यहाँ नीचे प्लस है, नीचे प्लस मीन ऊपर क्या होगा माइनस, तो इस तरह से दो नंबर लिखो जिसका डिफरेंस करे तो क्या दो आ जाए, और नीचे 15 टूट जाए 5 भी गिन गया पर क्या होगा 5x माइनस बन जाएगा प्लस, इसको हम बोलिए दिए सोच करके बनाइएगा, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये भी y plus tan वर्स ax माइनस बी बाय बी एक्स प्लस ए देन पुट दैट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सोच बनाइए एक्स का देखिए 1 2 तरह से बनेगा, सभी ध्यान से सुनो 1 2 तरह से बनेगा, कैसे कैसे कुछ बच्चे नीचे से a कॉमन नीचे डिवाइड करेंगे a से ऊपर भी a से तो भी 1 प्लस बनेगा b बाय ax, कुछ बच्चे ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड किए bx से ऊपर भी bx से तो भी बन जाएगा 1 है ना, बट आसान कौन है bx से भाग देना कि a से भाग देना, bx के नीचे में b भी और x भी है ना, आसान कौन है डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी एक्स वो भी सही है और ए वो भी सही है, आसान ये होगा ना, इसलिए ए से भाग देना ज्यादा सुलभ होगा आसान होगा। देखिए वाई को वाई छोड़ दिए, टेन वर्स को टेन वर्स छोड़ दिए, ध्यान देना वो ऊपर ही भागा थी ए से कितना बनेगा ऊपर में ए एक्स बाय ए एक्स नीचे में यहाँ बी बाय ए बी एक्स बाय ए बी बाय ए एक्स और ये क्या बन गया सही है। अब ये अरेंज नहीं है, अरेंज कर लीजिए इसको, अरेंज नहीं है तो इसे अरेंज करना होगा, इसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू बी बाई ए सही है, पूरे एक्स के रूप में काम एक्स किया और वाई के रूप में काम कौन किया बी बाई ए बन जाएगा, इसको बिल्कुल अब किस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स बी बाई सही है, कॉन्स्टेंट कौन है ये कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करना है डी बाय डी एक्स टेन वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आंसर 1/1 प्लस एक्स का सही है, ए एक्स वाला जो आप लोग कॉन्सेप्ट लगाया वो भी सही है लेकिन वहां पर तुमको तो 1/x को फिर करना पड़ गया होगा, दूसरा स्टेप से बच जाओगे ना, इसलिए हर तरीके से बन सकता है। डिवाइड करना सोचे कहां से, हम डिवाइड करना सोचे यहां से कि फॉर्मूला पर से तब होगा, यहां 1 आए यहां 1 तभी होगा जब नीचे से कोई ना कोई घसके घसकेगा तभी जब ए से भाग दे या फिर बी से भाग दे ठीक है, ये कितना नंबर था नंबर 4 हुआ ना 5 हो गया ये नंबर 4 हुआ ये अभी तक का अच्छा आपको ये लगा तो काम हुए। चलिए एक और व्हाट देखते हैं मिल जाए इस टाइप का, एक क्वेश्चन और है इस टाइप का नहीं है पर टाइप का ही है, y इक्वल साइन वर्स 2 पे पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 पे पावर x, तो निकालना है डी वाई बाय डी एक्स रिक्वायर्ड बनेगा कि नहीं है, देखो y इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स है 2x को tan थीटा माने तो ये हो गया हम लोग का 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला कहोगे कि सर साइन 2 थीटा का है, साइन साइन कट गया तो y इक्वल टू 2 थीटा आ गया, y इक्वल टू 2 इंटू कितना कहेंगे थीटा को tan इनवर्स टेन वर्स 2 पे पावर x, तो कहोगे सर डी वाई बाय डी एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू टेन वर्स एक्स है ये तो 1/1 प्लस एक्स का और स्क्वायर, बट
यू हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन, दैट मीन्स 2 की पावर x को डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव पढ़ाया नहीं है, नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सीख लीजिए। हालांकि इसका फॉर्मूला ऑलरेडी रेडीमेड है। इसका फॉर्मूला होता है कि a पे पावर x का जो डेरिवेटिव होगा, a पे पावर x का डेरिवेटिव वो होता है ax log a। क्या होता है ax log a? सर कहां से ला लिए इसको? कोई बात नहीं, y इक्वल टू, सुनो, y इक्वल टू a पे पावर x, जिसको पढ़ाया नहीं, अभी log का पढ़ाया नहीं, छोड़ दो, याद रखोगे। a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? ax log a। पर उसके बाद पढ़ेगा log का टर्म। a पे पावर x का फॉर्मूला प्रूव हम करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, ax log a होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर इसका निकल जाएगा 2 पावर x का क्या कहोगे? 2 की पावर x को कहोगे 2 / 1 + कितना? 2 का स्क्वायर, और ऐसा हो गया * 2x log, सही है? ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा आज, बन जाएगा ना? क्वेश्चन हम नहीं भेजते हैं ना आप मानते हैं।